हेलो दोस्तों, कैसे हो। मेरे सेल्फ अर्जित और आपका स्वागत है आपके हमारे चैनल ग्रोइंग ज्ञान पे। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख ही रहे होंगे कि आज का ट्यूटोरियल मेरा टोटली फ़ॉन्ट मेन्यू के ऊपर है, जिसमें मैं आपको जो फ़ॉन्ट स्टाइल, फ़ॉन्ट साइज़, फ़ॉन्ट के जो अपना टेक्स्ट, अपने सेल का बॉर्डर है उसके बारे में बताने वाला हूँ। फ़ॉन्ट का कलर है, फोर कलर है, फिल कलर है, इसका जो साइज़ बाय शॉर्टकट से कैसे उसको छोटा बड़ा करना है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो मैं ऑलरेडी अपनी एक फ़ाइल ओपन कर रखी है एक्सेल की, तो यहाँ पे मैंने एक बना रखा है, वैसे एक टाइटल सा दे रखा है, ट्यूटोरियल ऑन फॉन्ट मेन्यू। तो यहाँ पे ये मैंने ले रखा है नॉर्मल टेक्स्ट ले रखा है। यहाँ पे मैंने एरो बना कर दे रखा है, ये नॉर्मल होएगा और ये मेरा जिसको मैं एडिट करके आपको रिजल्ट बताऊँगा तो ये कैसे रहेगा। तो चलो शुरू करते हैं। हमें सबसे पहले हमारे हम होम मेन्यू पे जाके जो फॉन्ट वाले एरिया में सारे ये वाला जितने भी पोर्शन है ये सारा मैं आपको करके सारा डिस्कवर करके बताने वाला हूँ कि कैसे कैसे इसको कहाँ से कैसे कैसे इसको यूज़ करना है। सबसे पहले चलते हैं फ़ॉन्ट स्टाइल पे। ऊपर ये नॉर्मल फ़ॉन्ट है, यहाँ पे मैं इसको एडिट करके बताऊँगा। यहाँ पे अब यहाँ से एक फ़ॉन्ट का जो जैसे कैलिवरी है, बाय डिफ़ॉल्ट कैलिवरी होता है, फिर एरियल ब्लैक है, एरियल वगैरह होता है। मैं मैक्सिमम कैलिवरी का यूज़ करता हूँ मैम एक्सेल पे, मैक्सिमम एक्सेल पे, तो मैं बाय 46 को रखता हूँ। तो हम यहाँ पे एडिट करेंगे फ़ॉन्ट, यहाँ से चूज़ करना है हमें ड्रॉपडाउन, एक ड्रॉपडाउन लिस्ट होगी, एरो बना हुआ डाउन एरो, उस पर क्लिक करेंगे तो सिंपली आपको नीचे पूरी लिस्ट खुल जाएगी फ़ॉन्ट्स की। इसमें से आप जिस फ़ॉन्ट के ऊपर लेके जाएंगे, जैसे मैं यहाँ पे ले गया अल्जीरियन, साथ में जो एडिटिंग एडिटेड वाला टेक्स्ट है, एडिट वाला, वहाँ पे आप देखेंगे कि वो वहाँ पे आपको प्रीव्यू दिख रहा है साथ के साथ। जैसे मैं जिस जो भी अपना सिलेक्ट कर रहा हूँ, सिलेक्ट नहीं कर रहा हूँ, अपना माउस लेके जा रहा हूँ, कर्सर लेके जा रहा हूँ अभी फ़ॉन्ट के ऊपर, तो वो आपको चेंज करके आपको बस दिखा रहा है यहाँ पे जैसे आप कैसे चेंज करना है। यहाँ पे ये मैं किए है, बोन है, अभी या फिर बेल एम्प्टी है, वर्लिन सैन फैन है, जो जो भी आपको अपने डेटाबेस के हिसाब के आपको जो सेट लग रहा है, वो जो अच्छा आप लेना चाहते हो, वो यहाँ सब चूज़ करते हो। काफ़ी सारे यहाँ पे फ़ॉन्ट हैं, काफ़ी आपको ये फ़ॉन्ट का आपको मैंने बताया भी था कहाँ से आप इनको डाउनलोड कर सकते हैं, ऑफिशियल साइट से गूगल की, और काफ़ी ज़्यादा एक्स्ट्रा फ़ॉन्ट्स होते हैं। ये तो अभी कुछ थोड़े ही हैं जो कि नॉर्मल बाय डिफ़ॉल्ट ऑफिस के पैकेज में आते हैं, विंडो के साथ में आते हैं, जिसके एडिशनल आपको मैंने बताया, वो एक मेरी वीडियो है जहाँ से मैंने फ़ोन को डाउनलोड करना है, कैसे इंस्टॉल करना है, उसमें बताया हुआ है। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे या फिर आपको आई अपनी आई आइकन पे मिल जाएगा। तो यहाँ पे मैं यहाँ फ़ॉन्ट चेंज कर रहा हूँ, मैंने एलिफेंट फ़ॉन्ट ले लिया। अब देखते ये हमारा नॉर्मल था जो पहले था, और ये जो है ये हमारा फ़ॉन्ट जो हमने चेंज करा, तो वो हमारा ये वाला फ़ॉन्ट हमने लिया एलिफेंट करके। तो ये फ़ॉन्ट चेंज करके आपके सामने रिजल्ट है, प्रीव्यू है। तो अब इसके बाद चलते हैं हम साइज़ पे। अभी फ़ॉन्ट के साइड में ही अपने राइट वाली साइड में फ़ॉन्ट जहाँ से सेलेक्ट करो वहाँ पे राइट वाली साइड में नंबर सा लिखा होता है न्यूमेरिक में, 11, 12, 11, 10, 11, 12, 13, 14, ऐसे करके आप यहाँ से आप साइज़ का छोटा बड़ा कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको प्रीव्यू दिखाता रहेगा कितना साइज लेना है आपके डेटाबेस के हिसाब से, जैसा जितना आपको साइज़ चाहिए उसके हिसाब से टाइटल है, तो टाइटल में आपको पता है बोल्ड थोड़ा बड़ा सा चलता है साइज़, थोड़ा हाईलाइट हो टाइटल, तो अगर नॉर्मल है तो नॉर्मल आपको 10, 11, 12 जो आप रखना चाहते हो। मैं इसको सिंपल, इसको मैं थोड़ा सा इसको मैंने 14 पे कर लिया, 12 पे कर ले रहा हूँ अभी। यहाँ पे इसका थोड़ा आपको डिफरेंस कम दिख रहा होगा, मैं इसको मैं 8 पे ले लेता हूँ। ये यहाँ पे फ़ॉन्ट साइज़ मैंने बिल्कुल छोटा कर दिया, काफ़ी छोटा, क्योंकि वो डिफरेंस आपको दिख रहा है, ये नॉर्मल है साइज़ है और ये इसका मैंने जो 8 साइज़ ले रखा है। इसके साथ में जो अपना फ़ॉन्ट साइज़ जो न्यूमेरिक में होता है, उसके साथ में एक देखोगे ये एक ए बना होता है, जिसके मैं कर्सर लेके जाऊँगा तो यहाँ पे लिखा होता है इंक्रीज़ फ़ॉन्ट साइज़, साथ में एक और ए होता है और एरो डाउन होता है इसके ऊपर डिक्रीज़, जब जो जिसमें एरो अप होगा इनके इंक्रीज़ करेगा आपके फ़ॉन्ट साइज़ को, और ये जो डाउन वाला है ये डिक्रीज़ करेगा। तो यहाँ पे भी आप क्लिक करके फ़ॉन्ट का साइज़ छोटा बड़ा कर सकते हैं। यहाँ पे मैं जो डाउन अप एरो है इसके ऊपर क्लिक कर रहा हूँ, जैसे क्लिक करता जा रहा हूँ ये साइज़ इसका बड़ा बढ़ता जा रहा है। अब अगर इससे बड़ा चाहिए तो हमें यहाँ पे भी स्क्रॉल करोगे तो यहाँ तो भी 72 तक ही रहता है, लेकिन अगर आप इससे बड़ा चाहिए तो आप यहाँ पे मैन्युअली यहाँ पे क्लिक करके आप कुछ भी साइज़ यहाँ पे देके सिंपली एंटर करोगे वो साइज़ सेट हो जाएगा।
ये साथ में इसका जो डाउन एरो आता है और ए का साइज़ भी थोड़ा छोटा है, उसको क्लिक कर जाएंगे तो ये साइज़ छोटा कर जाएगा। ये साथ में यहाँ पे आप यहाँ पे देखते रह देखे जाओगे, क्लिक करा अभी 24 है, इसको क्लिक करा 22 रह गया और छोटा करा 20 रह गया। यहाँ से आप साइज़ शॉर्टकट में शॉर्टकट आप ऊपर नीचे छोटा बड़ा कर सकते हो। चलो उसके बाद चलते हैं हम फॉन्ट के बिल्कुल नीचे। तीन प्रॉपर्टीज होती हैं, बोल्ड अंडरलाइन, सॉरी बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन। तो बोल्ड आपको पता है जैसे हम कोई टाइटल देना हो तो उसको थोड़ा हाईलाइट रहे, थोड़ा दिखे, थोड़ा अलग से दिखे, तो इसके लिए हम बोल्ड प्रॉपर्टी जो टेक्स्ट को थोड़ा सा मोटा कर, उसका जो थिकनेस है उसकी बढ़ा देता है, तो उसको थोड़ा थिक कर देता है। ये यहाँ पे आपका नॉर्मल है और यहाँ पे आपका थोड़ा मैंने बोल्ड प्रॉपर्टीज इनेबल कर लिया। चलो इसको वापस मैं अपने अपने पुराने फॉन्ट पे लेके आ रहा हूँ, वहाँ मेरे को सही से ये देखिए ये, और ये मेरा नॉर्मल साइज़ इसका 11 था। अब मैं इसको बोल्ड कर रहा हूँ, इसका शॉर्टकट कंट्रोल प्लस बी, जो मॉर्सल कर्सर लेके जाओगे इस बी के ऊपर तो वहाँ पे दिखा देगा वो कंट्रोल प्लस बी, क्लिक करा बोल्ड हो गया। ये नॉर्मल है और ये बोल्ड टेक्स्ट है। इसके बाद साथ में आता है आई, एक थोड़ा टेढ़ा सा डंडी सी होती है वो आई होती है, उसको उसका मैंने इटैलिक मतलब हमारे जो टेक्स्ट है उसको थोड़ा सा टेढ़ा कर देता है, ये अपने राइट साइड झुका देता है ये थोड़ा सा। तो उसको जब इस क्लिक करेंगे सिंपल ये कंट्रोल आई से कर सकते हैं या फिर सिंपली क्लिक करके। साथ में अंडरलाइन है, यू यू मीन्स अंडरलाइन, यू स्टैंड फॉर अंडरलाइन, इसका शॉर्टकट है कंट्रोल प्लस यू। यहाँ पे क्लिक करके सिंपली यहाँ पे अंडरलाइन कर देगा। यहाँ पे इसके साथ में एक ड्रॉप डाउन एरो आता है, उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे डबल अंडरलाइन करना हो तो यहाँ से लेगा। हम कंट्रोल यू यूज़ करेंगे, हमें अगर सिंगल अंडरलाइन करना है, सिंगल अंडरलाइन ही मैक्सिमम यूज़ होता है, डबल अंडरलाइन तो कुछ ज़्यादा हाईलाइट करने के लिए यूज़ करते हैं हम, लेकिन सिंगल ही होता है इसलिए कंट्रोल यू जो शॉर्टकट रहता है वो सिंगल अंडरलाइन के लिए होता है। तो डबल भी कर दो तो कोई वो दिक्कत नहीं है, थोड़ा ज़्यादा हाईलाइट हो जाएगा तो अच्छा लगेगा, थोड़ा अलग से थोड़ा यूनिक ही दिखेगा ये। तो ये था बोर्ड इटैलिक अंडरलाइन। और इसके साथ में आता है ये बॉक्स सा बना होता है, साथ में राइट साइड जाओगे थोड़ा तो बॉक्स सा बना होता है एक सिंगल सा, ये बॉक्स वाला भी काफ़ी अच्छे से मैंने एक ट्यूटोरियल में आपको बताया था, वहाँ पे आप उसका लिंक भी आपको मैं आपको मिल जाएगा आपको आई स्क्रीन पे। तो इस पे भी आप अच्छे से यहाँ पे भी आपको सारा का सारा आपको उस ट्यूटोरियल में सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन फिर भी यहाँ पे बता रहा हूँ आपको मैं सिंपल। ये नॉर्मल है, इसको भी मैं नॉर्मल कर देता हूँ, वापस नॉर्मल फॉर्म में ले आता हूँ। ये नॉर्मल है, अब इसको मैं बॉर्डर लगा रहा हूँ सिंपल बॉर्डर, ये सिंगल बॉर्डर है। ऐसे ही यहाँ पे आता है ऑल बॉर्डर आता है, ऑल बॉर्डर में जितने जितने एरिया जितना आपको चाहिए वो बॉर्डर सारे ही जिसको सिलेक्ट कर जितने सेल सिलेक्ट करेंगे उतना बॉर्डर लगा देगा ये टोटल बॉर्डर। उसको मैं कंट्रोल जेड के वापस लेके आ रहा हूँ। साथ के साथ अभी यहाँ पे मेरा ये तो था हमारा नॉर्मल बॉर्डर जो आउटलाइन इसकी बॉर्डर नहीं है, मैं चाहता हूँ थोड़ा सा थिक, थोड़ा इसकी जो मोटाई है थोड़ा मोटा हो जाए, थोड़ा थिक सा लगे ये दिखे थोड़ा, तो उस पर सिंपली थिक बॉर्डर पे क्लिक करना है। यहाँ पे बॉर्डर यहाँ पे करेंगे तो ये थोड़ा थिक हो जाएगा। ये हमारा यहाँ पे आपको नॉर्मल बताता हूँ, ये नॉर्मल है और ये थिक है, ये नॉर्मल ये थिक, नॉर्मल आ गया ये और ये एडिटिंग करके थिक आ गया। और इसके साथ मैं अभी अगर मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि बॉर्डर जो है वो मेरे शेल के ओनली अपर साइड आए, मतलब टॉप वाली लाइन पे बॉर्डर है, तो इस सिंपली यहाँ पे टॉप बॉर्डर पे है तो ये टॉप पे आएगा। ऐसे ही ऐसे बॉटम लेफ्ट राइट वगैरह सारा यहीं पे आ जाता है। अब इसमें एक और आता है कि मैं बॉर्डर अपना बॉर्डर जो है उसका कलर चेंज करना चाहता हूँ, जो लाइनें हैं जो बॉर्डर लाइन जो होंगी उसकी लाइन का कलर क्या रहेगा, तो यहाँ से मैं कोई भी कलर ले सकता हूँ। यहाँ पे मैं दूसरा ये कलर ले लिया और इसको जिस लाइन के ऊपर क्रॉस करोगे वो आपको कलर चेंज करेगी कर देगी उसका। अभी आपको यहाँ पे कुछ खास दिख नहीं रहा होगा तो इसको मैं क्या करूँगा, इसका थोड़ी थिकनेस बढ़ा दूँगा। अब देखिए थोड़ा सा आपको इसमें थिकनेस आपको दिखेगी तो थोड़ा अलग से दिखेगा आपको, तो इसका थोड़ा इसका स्टाइल जो यहाँ पे है, अब यहाँ पे मोर और थिकनेस चाहिए और बॉर्डर स्टाइल चाहिए ये यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे बॉर्डर इसके अलग अलग स्टाइल हैं, यहाँ पे और भी हैं, यहाँ पे जो डॉटेड बॉर्डर लेना है सारा ये डॉटेड डॉटेड आ जाएगा। तो ये कलर भी जो मैंने चेंज करा था वो सारा आ गया, तो इसको मैं वापस अपने नॉर्मल फ़ोन पर लेके आ रहा हूँ और इसको मैं सिंपली नो बॉर्डर करके इसको भी मैं सिंपली यहाँ से नो बॉर्डर करके हम उठा सकते हैं।
तो इन बिन बॉर्डर हट जाएगा सारा। अब इसको मैं वापस, अब इसके बाद आता है हमारा ये, इसके ऊपर कर्सर फिल कलर यानी कि बैक कलर, हमारे शेल का बैकग्राउंड कैसा रहेगा। ये नॉर्मल है, चल इस पर एक बॉर्डर सिंपल बॉर्डर लगा देता हूँ, इसके ऊपर सिंपल नहीं छोड़ो बॉर्डर मैं लगा नहीं रहा, ये नॉर्मल है। और इसके पीछे मैं एक, जैसे ये यहाँ पे आप देखोगे तो ये ट्यूटोरियल ऑन फोटो, मैंने इसके बैक साइड में मैंने येलो कलर का कर रखा है। ये फिल कलर होता है, जो शेल का बैकग्राउंड होता है वो फिल कलर होता है, उसको फिल कलर कहते हैं। ऐसे यहाँ पे शेल का मैंने यहाँ पे चेंज कर रहा हूँ, ये नॉर्मल है, यहाँ पे वाइट है, यहाँ पे जब इसको मैं चेंज कर रहा हूँ तो कोई भी अपने हिसाब से मैं चेंज कर सकता हूँ, जैसा आपको अपने डेटाबेस की रिकॉर्डिंग आपको जैसा अच्छा लगता है सही लगता है, जैसे आप रखा कॉमिक कलर कॉम्बिनेशन बेस्ट रख सकते हो। ऐसे ही आपका यहाँ पे आता है फॉन्ट कलर, या फिर इसको आप फोर कलर सॉरी फॉर टेक्स्ट कलर भी कह सकते हैं। यहाँ पे आप क्लिक करके नॉर्मली यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ये मैंने ब्लू ले लिया, या फिर चलो ब्लू का नहीं लग रहा है, मैं यहाँ पे येलो ले लिया, येलो दिख रहा है, चलो यहाँ पर मैं वाइट ले लेता हूँ। राइट, ये है हमारा कलर वाला है पोर्शन। तो यहाँ पे बस यही था जो हमारा ट्यूटोरियल ऑन फॉन्ट मेन्यू, फॉन्ट मेन्यू में यही जो कुछ 5, 6, 7, 8 प्रॉपर्टीज़ हैं बस यही आती हैं। और बस इसी इस वीडियो में बस इतना ही है, क्योंकि फॉन्ट में बस इतना ही जो मैं कंप्लीट आपको अभी कर चुका हूँ। इसकी मैंने सिंगल सिंगल भी आपको हर जैसे फॉन्ट के ऊपर या बॉर्डर के ऊपर या बोर्ड इटैलिक प्रॉपर्टीज़ के ऊपर सारा मैंने अलग अलग ट्यूटोरियल बनाए हैं, आपको बहुत सारे आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, मिल जाएंगे आपको। तो वहाँ से आप अगर इस पर आपको डाउट रहता है तो वहाँ से बिल्कुल क्लियरली आप उसको मतलब सीख पाओगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, तो मिलता हूँ आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो पे, जो कि होएगी अपनी अलाइनमेंट होम मेन्यू पे, जो अलाइनमेंट वाला एरिया है जिसमें आपका टेक्स्ट का जो मार्जिन अलाइनमेंट है, या फिर उसका ब्रैप मर्ज वगैरह कैसे उसका वो सेट करना है, वो कंप्लीट वीडियो उस पर आएगी, कंप्लीट ट्यूटोरियल आएगा उसके ऊपर, तो वो अगली वीडियो पे आ रहा है। तो आज की वीडियो को कैसी लगी है लाइक कर दें, शेयर कर दें, जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर भी क्लिक कर लें, ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो डालूँ, जब भी मैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की कोई न्यू वीडियो डालूँ या कोई और दूसरी वीडियो डालूँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो पे, लर्न एंड ग्रो।